जब भी पृथ्वी पर जीवन मानवीय इतिहास की बात होती है, वैज्ञानिक और इतिहासकार कई रिसर्चों के द्वारा मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं, कईयों पर रिसर्च अब भी जारी है, लेकिन कभी कभी उनका सामना कुछ ऐसी गतिविधियों से होता है जो वैज्ञानिकों को भी मौन कर देता है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी हर प्राकृतिक घटना के होने का कारण अभी पता नहीं लगा पाए हैं। कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में सुनकर हम बेहद आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उसके संदर्भ में संकेत इतने कम होते हैं कि उसके कारण का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में बताएंगे, दुनिया की टॉप 10 ऐसी शानदार और आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह जिन्हें देखना और उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। नंबर 10, ड्यूप्लेक्स ट्री। एक कहावत है, Why have one tree when you can have two? यानी जब आप दो पेड़ उगा सकते हैं तो एक क्यों उगाना। आमूमन तो ये कहावत पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में प्रयोग की जाती है, लेकिन इटली के कसूरसो में ये थ्योरी वास्तविक जान पड़ती है। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसमें दो पेड़ हैं। ये बात सुनने में जितनी अजीब सी लगती है उतनी ही सच है। एक शहतूत के पेड़ के ऊपर एक चेरी का पेड़ उगा हुआ है। ये एक तरह का हाइब्रिड ड्यूप्लेक्स है। छोटा पेड़ बड़े पेड़ के ऊपर कभी कभी उगता है। इस तरह दो वृक्षों को एक के ऊपर एक देखना काफी असामान्य घटना है। आमतौर पर इस तरह के पेड़ों में पोषक तत्व दोनों में समान रूप से नहीं बढ़ते और छोटे पेड़ का विकास पोषण की कमी के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, लेकिन इस पेड़ में ऐसा नहीं है। इस बात का सबूत है चेरी के पेड़ पर उगने वाले सफेद रंग के बेहद खूबसूरत फूल। अपनी इस आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबियों के कारण ये पेड़ इलाके में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसकी सुरक्षा के लिए इसके आसपास फेंसिंग करवा दी गई है और इस पर चढ़ना गैर कानूनी और दंडनीय है। नंबर 9, इनवाइटनेट, द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न। केनिया को दुनिया में अबूझ पहेलियों का केंद्र माना जाता है। तुर्काना झील के पास स्थित इनवाइटनेट नाम का एक ऐसा ही द्वीप है जिससे जुड़े अजूबे का जिक्र उसके नाम में ही हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नो रिटर्न्स, यानी वापस ना आना। कई किलोमीटर के दायरे में फैले इस द्वीप के आसपास कई जनजातियां जीवन यापन करती हैं, लेकिन ये द्वीप मानव जीवन के मामले में वीरान है। आसपास रहने वाले लोग ये मानते हैं ये स्थान शापित है और यहाँ जाने वाले कभी लौटते नहीं। 1935 में एक ब्रिटिश रिसर्चर विविना फूस ने अपने दो साथी रिसर्चर मार्टिन शेलफील्ड और बी डेसन के साथ इस मिथक की सच्चाई की जाँच करने का निर्णय लिया और उन्हें द्वीप पर भेजा, लेकिन उनके भी आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो जाने से ये धारणा और प्रबल हो गई। थ्योरिस्ट इसका कारण ये मानते हैं कि द्वीप पर एलियनों का वास है, जबकि केन्याई निवासियों का मानना है द्वीप के बीचों बीच जाने पर विद्युत झंझावात का शिकार बन जाते हैं। हवाई जहाज से इस द्वीप की तस्वीरें तो ली गई है, लेकिन लंबे वक्त से कोई इस द्वीप पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। नंबर 8, अंडारा टेम्पल्स। सीरिया में बहुत से प्राचीन और अद्भुत मंदिर हैं, जिनमें से लगभग हर एक की अपनी अपनी आकर्षित करने वाली कहानियां हैं। लेकिन अंडारा के मंदिर का आकर्षण बेहद खास है, जिसका कारण मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े मानवीय पद्म चिन्ह हैं। ये पैरों के चिन्ह भी उतने ही पुराने हैं जितना कि मंदिर, लगभग 3300 साल। इन पद चिन्हों के बारे में कई अलग अलग धारणाएं हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक और पुरातत्वता मानते हैं ये चिन्ह भी उन्हीं लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने मंदिर बनाया था, जबकि आसपास के निवासियों का मानना है कि मंदिर में एक महान ईश्वर ने प्रवेश किया था और उनके चरण चिन्ह मंदिर के द्वार पर बने रह गए। जबकि एक मान्यता ये भी है कि जिन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया था वो विशालकाय थे और ये निशान उन्हीं के पैरों के हैं। इस इलाके में प्राचीन काल में विशालकाय मनुष्य के रहने की कई कहानियां सुनने में आती हैं और इन पद चिन्हों को लोगों ने उन कहानियों का सबूत मान लिया है। दुखद ये है कि तुर्की द्वारा किए गए 2018 के एक हवाई हमले के बाद मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन पद चिन्ह अभी भी सलामत हैं। नंबर 7, अबू ग्रैब सन टेम्पल्स। इजिप्ट और गीजा के पिरामिड, जो की अपने आप में एक शानदार जगह है, जाने वाले लोगों में कुछ भी 20 मिनट और यात्रा करके अबू ग्रैब तक जाने की जहमत उठाते तो शायद ये इतना बड़ा रहस्य नहीं होता। इस शहर में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गई हैं जिसे सूर्य मंदिर माना जाता है, जो कि महान देवता रा को समर्पित माना जाता है। ये मंदिर लगभग 2400 साल पहले बनाया गया था। इतिहासकारों की माने तो अबू ग्रैब में कुल 6 सूर्य मंदिर थे, जिसमें अब सिर्फ 2 बचे हैं।
माना जाता है कि ये मंदिर अफ्रीका के खेमतियन लोगों द्वारा बनाया गया था। ये लोग पत्थरों के निर्माण और इंजीनियरिंग में माहिर थे। फिर भी इन लोगों ने हजारों टन के इन बड़े बड़े पत्थरों को किस तरह उठाया होगा, इन्हें किन मशीनों से काटा होगा, ऐसे तमाम सवाल राज बन गए हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्य पत्थरों के बीच में किए गए गोल छेद देखकर होता है। सदियों पहले आज जैसे आधुनिक उपकरण भी नहीं होते थे। फिर उन लोगों ने किस तरह ये होल ड्रिल किए थे, ये आज भी मिस्ट्री है। नंबर 6, प्लेट्यू ऑफ कजाकिस्तान। काफी पहले की बात है, आरएलसी में बरसाक नाम का द्वीप हुआ करता था, लेकिन अब जलस्तर गिरने की वजह से ये पठार बन चुका है, जो कि किसलौड़ा कजाकिस्तान में है। केनिया के द्वीप जैसी ही धारणा इस जगह के बारे में भी है कि यहाँ जाने वाले लौट कर नहीं आते। 1939 में से एक राष्ट्रीय रिजर्व घोषित कर दिया गया और लोगों के लिए इसे बंद कर दिया गया। यहाँ तक आज भी इस जगह के आसपास इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। दस्तावेजों की माने तो ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जिनमें इस पठार के आसपास लंबा वक्त गुजारने के बाद लोगों की त्वचा का रंग नीला पड़ गया। एक कहानी तो ये भी कहती है कि कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर कुछ वक्त बिताया, उनके अनुसार लगभग एक साल, वापस आने पर उन्होंने पाया कि 3 दशक बीत चुके हैं। नंबर 5, हैंड्स ऑफ हरक्यूलीज। जॉर्डन में ओमान के खंडरों में आपको कई ढहे हुए मंदिर और इमारतों के ढांचे मिल जाएंगे। यहीं आपको झपट्टा मारने की मुद्रा में 3 उंगलियों से बना टूटा फूटा पत्थर का बना हुआ एक विशाल काय हाथ भी मिल जाएगा। ये है हैंड ऑफ हरक्यूलीज, यानी पहलवान का हाथ। हालांकि ये टूटा हुआ है और सिर्फ 3 उंगलियां बची हैं, फिर भी ये देखने में काफी भयावह लगता है। ये हरक्यूलीज मंदिर का एक हिस्सा है जिसका निर्माण 2री शताब्दी में रोमन कब्जे के दौरान हुआ था। ओमान के गढ़ में बना ये मंदिर रोम के किसी भी अन्य मंदिर से ज्यादा विशालकाय है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य कभी पूरा ही नहीं हुआ। चूंकि ये जगह अधिक भूकंप आने के लिए जानी जाती है, तो ये माना जाता है कि हो सकता है इसी कारण से रोमन लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण का विचार त्याग दिया हो। नंबर 4, द लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी। कालाहारी के खोए हुए गुमनाम शहर का रहस्य आज भी अस्तित्व में है। ये बात आज भी विवाद का विषय बनी हुई है कि ऐसा कोई शहर वाकई है भी या नहीं। ये कहानी तब शुरू हुई जब 1885 में कनाडा के एक जादूगर और एक्सप्लोरर विलियम लियोनार्ड हंट ने ये दावा किया कि उन्होंने कालाहारी रेगिस्तान को पैदल पार करते हुए एक खाली खंडरनुमा जगह खोज ली है। रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी की एक रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस शहर में क्षतिग्रस्त मंदिर, जली हुई जमीनें, आधी अधूरी दीवारें देखी हैं। उनके इस कथन के बाद लगभग 25 अभियान चले गए, लेकिन किसी को भी ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा हंट ने बताया था। 1964 में एजे क्लेमेंट ने थ्योरी दी कि जादूगर हंट खंडर में जाने वाले रूट को लेकर कंफ्यूजन में थे और क्लेमेंट ने एक अलग रूट बताया। उस रास्ते से क्लेमेंट एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्थरों का ढेर था। क्लेमेंट ने व्याख्या की कि शायद हंट ने इन्हीं पत्थरों की दीवार देखी होगी, लेकिन उनकी ये व्याख्या संतोषजनक नहीं थी। कालाहारी का वो शहर आज भी गुमनाम है और लोग आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। नंबर 3, रिंग्स ऑफ बैरन सी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी लोगों ने संपूर्ण यूरोप में कई विचित्र संरचनाओं का निर्माण किया है, जिसमें सभी को समझ पाना बेहद मुश्किल है। नाजियों का ऐसा ही एक निर्माण है बैरन समुद्र में कंक्रीट की बनी हुई गोल रिंग नुमा आकृति। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसके आस पास जनसाधारण जाना वर्जित कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है इसी जगह जर्मन एंटी ग्रेविटी और मास डिस्ट्रक्शन डिवाइस का परीक्षण किया करते थे। ये भी माना जाता है कि नाजियों ने इस जगह पर डायग्लोकेट नाम के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। डायग्लोकेट के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि ये बेहद भयावह शक्तिशाली हथियार थे। सुनने में तो ये भी आता है कि डायग्लोकेट में कंक्रीट के बेस पर घूमने वाली आर्टिलरी लगी हुई थी, लेकिन विश्वास करने के लिए ये काफी हास्यास्पद है। नंबर 2, ड्रुइड टेम्पल। उत्तरी यॉर्कशायर इंग्लैंड के स्विंटन में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि स्विंटन में एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन स्विंटन के ड्रुइड मंदिर की संरचना को देखने से ही ये पता चल जाता है कि इसे प्राचीन कहने का कारण इसकी बनावट है। हालांकि ये मंदिर मुश्किल से 2 शताब्दी पहले एक बहुत ही नेक दिल और विलक्षण जमींदार विलियम डेनबी ने बनवाया था। अपनी नेक दिली के चलते उसने अपने आसपास के लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए यह मंदिर बनवाया। 1820 में यह मंदिर बनवाया गया था। यहाँ तक कि मंदिर बनने के बाद उसने ये शर्त भी रखी कि जो व्यक्ति अकेले लगातार 7 वर्षों तक मंदिर में रहेगा
उसे इनाम दिया जाएगा। एक आदमी 4 साल तक रहा भी, लेकिन पूरे साल तक कोई नहीं रह पाया और विलियम का रिवॉर्ड कभी क्लेम हुआ ही नहीं। इसका कारण आज तक अबूझ है। नंबर 1, गुंजी वॉम्प। यूएसए में गुंजी वॉम्प एक ऐसी जगह है जो इतिहासकारों और पुरातत्वताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इस जगह पर लगभग 1400 सालों तक विविध समुदायों का कब्जा रहा है और सभी ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ पत्थरों के बने कमरे हैं, पत्थर की रिंग नुमा आकृतियां भी हैं। दीवारों पर लिखावट है, लेकिन उसकी भाषा अभी तक डीकोड नहीं की जा सकी है। गुंजी वॉम्प में मनुष्य जीवन के इतने अवशेष हैं कि ये बता पाना मुश्किल है कि एक युग कब शुरू होता है और कब खत्म, या यहाँ पहली सभ्यता कौन सी थी। एक मान्यता ये है कि इसे 6वीं शताब्दी में बसाया गया जब केल्टिन क्रिश्चियन वाइकिंग रेड से बचने के लिए एक आयरलैंड से यहाँ आए, लेकिन ठोस सबूत ना होने की वजह से ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। यहाँ पर मैग्नेटिक एक्विटी भी देखी गई है। वैज्ञानिक इसका कारण मैग्नेटिक पदार्थों क्वार्ट्ज की उपस्थिति को मानते हैं, जबकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार ये एलियन की मौजूदगी की वजह से है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।